हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया पे। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट समान ज्ञान का जो सीरीज चलाई जा रही है उसका चैप्टर गुप्त काल। तो आज हम इस वीडियो में गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जो कि लूसेंट समान ज्ञान की चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो उससे पहले जरूर देखिए, उसके बाद ही इसे देखिए। ये आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी भी हेल्पफुल होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त, और इनका शासन काल था 240 से 280 ईस्वी तक। इसके बाद यानी कि श्री गुप्त के बाद इसका पुत्र घटोत्कच शासन बला, जिनका शासन काल था 280 ईस्वी से 319 ईस्वी। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा सी नंबर। और अगर हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। और इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि भी मिला हुआ है, और महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं का राजा। यह गुप्त वंश का प्रथम शासक थे 320 ईस्वी में, यह गद्दी पे बैठे थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम कब बैठे थे गद्दी पे? 320 ईस्वी में। और इनकी विवाह कहाँ हुआ था? लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी, क्या था? कुमार देवी से इनका राज भी इनका शादी हुआ था, और दहेज में इन्हें वैशाली प्राप्त हुआ था। तो चंद्रगुप्त भी ऑप्शन है, और चंद्रगुप्त से रिलेटेड इतने चीज़ें याद रखनी है। इनको महाराजा धीराज की उपाधि मिली, 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, और इनका शादी हुआ कुमार देवी से, दहेज में मिला वैशाली। चलिए आगे देखेंगे सेकंड नंबर। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वो कुशानों के सामंत थे, ऑप्शन नंबर बी, कुशानों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज धीराज की उपाधि धारण की? तो बोध थे चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। सुमेलित कीजिए, इसमें से सुमेलित करना है सूची वन से बी। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, तो ये थे समुद्रगुप्त के समय का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। बिलसड अभिलेख, बिलसड स्तंभलेख कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभलेख अश्कंदगुप्त, और मदसौड़ लेख बंधु बर्मन से संबंधित है। आगे देखेंगे फाइव नंबर। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान एवं गणितज्ञ था? ते कौन थे? ये आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट भारत ही नहीं बल्कि विश्व के ज्योतिष सिद्धांत पे बहुत प्रभाव रहा है, यानी भारत और विश्व दोनों के ज्योतिष सिद्धांत पे इनका बहुत प्रभाव रहा है। और इन्होंने ही आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी अपनी ध्रुव पर घूमती है, और दशमलव प्रणाली का विकास भी आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। आगे देखेंगे सिक्स नंबर। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल जो था यानी कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन नंबर। इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। और इन्हें क्यों कहा जाता है? तो इनके विजयों से प्रभावित होकर बी ए स्मिथ ने इन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नंबर। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ये थे अश्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी, अश्कंदगुप्त। भीतरी अभिलेख जो कि यूपी के गाजीपुर में है, के आठवें श्लोक में हूनों के साथ युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है हूनों के साथ युद्ध होने का उल्लेख? तो वो है भीतरी अभिलेख गाजीपुर। आगे देखेंगे नाइन नंबर। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश था वो अपना कला और साहित्य के लिए काफी प्रसिद्ध था, और इसलिए गुप्त काल को
स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां संबंधित है गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे कालिदास। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और इन्हें भारत को यानी कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। 12 नंबर, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, बौद्ध धर्म से अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु संबंधित है। और गुफा नंबर 9 के चित्र में बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर जाता हुआ दर्शाया गया है। क्या है? अजंता चित्रकारी में गुफा नंबर 9 के चित्र में बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर जाता हुआ दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। 13 नंबर, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था? तो उस टाइम उत्तर गुप्त युग में नालंदा का विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। 14 नंबर, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त। और है कहाँ एरन अभिलेख? तो एरन स्थल है जो एमपी के सागर जिला में एरन स्थल है। और इससे यानी कि एरन को सती अभिलेख के नाम से भी, एरन का सती अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे 15 नंबर, फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहयान था वो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। और यह कब रहा था? तो 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत में फाहयान रहा था, और यह चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था। आगे देखेंगे 16 नंबर, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था? तो कौन सा था? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, फाहयान कहाँ का निवासी था? तो फाहयान जो था वो चीन का निवासी था। 18 नंबर, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वो था बकाटक वंश का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। और कविराज इन्हें क्यों कहा जाता है? तो हरिसेन के अनुसार उनका मन हमेशा विद्वानों के साथ सत्संग करने में ही लगता था, इसलिए इन्हें कविराज कहा गया है। और वह वैदिक यानी कि समुद्रगुप्त जो थे वो वैदिक मार्ग का अनुयायी थे। आगे देखेंगे 20 नंबर, अश्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो यह शक्रोपम कहा गया है कहौल स्तंभ लेख में। 21 नंबर, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ते मांगी थी बोध गया में बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए। बोध गया नामक स्थान बुद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त जो थे समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने। 22 नंबर, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था सर्वप्रथम गुप्त काल में ही, गुप्त काल से ही मंदिर निर्माण किए जाने लगा। 23 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो यह धारण किए थे शकों के उन्मूलन के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, शकों का उन्मूलन के बाद। 24 नंबर, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, सबसे लोकप्रिय देवता थे उस टाइम विष्णु को माना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो कौन से विजय थे? तो वो शकों को पराजित करने के बाद ये चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, महरौली जो कि दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था चतुर्थ सदी ईस्वी में। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही इसका महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 7 मीटर है और इसमें 98% लोहा है, लौह स्तंभ है, इसमें 98% लोहा है और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, यानी
जंग प्रतिरोधक के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे 27 नंबर, फाहियान और भेनसांग के राज्यों को देखा। तो फाहियान और भेनसांग ने किन के राज्यों को देखा था, तो वो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। भेनसांग थे ये, तो फाहियान तो चीनी यात्री थे और भेनसांग भी एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु ही थे। भेनसांग के शासनकाल में भारत आए थे, भेनसांग जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, और यह यानी कि भेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा। और इनका एक पुस्तक है, क्या है, सी यू की, इनका पुस्तक है भेनसांग का सी यू की, में अपनी यात्रा का एवं उस टाइम की तत्कालीन जो भारत का विवरण किया है अपनी पुस्तक सी यू की में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, धनवंतरी थे, तो यह कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरात्रों में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी कौन थे, चिकित्सक थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। 29 नंबर, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो वो शासन प्रणाली थी राजतंत्रात्मक। 30 नंबर, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है, तो इसमें नहीं विवरण मिलता है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। 31 नंबर, गुप्त स्थापत कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है, गुप्त स्थापत कला का, तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और ये कहाँ है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो यह यूपी के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। और इसमें भगवान के यानी कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर में भगवान विष्णु को समर्पित है यह मंदिर, और यह भगवान विष्णु के 10 अवतारों का इसमें वर्णन मिलता है, इसलिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, अजंता की गुफाओं में किस गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ, तो इसमें हुआ था गुफाओं संख्या 16, 17 और 19। अजंता के गुफाओं को 1983 ईस्वी में यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। यूनेस्को के विश्व विरासत में कब शामिल किया गया है, 1983 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो यह थे चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार से जुड़े थे। 34 नंबर, गुप्त संबंध को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वास्तविक संस्थापक किसके थे, चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक भी इन्हें माना जाता है, तो इन्हें प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है। 35 नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, इसका सही आंसर होगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। 36 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक का दरबार कवि था, तो हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और हरिसेन एक प्रसिद्ध कवि और मंत्री दोनों थे, क्या थे, प्रसिद्ध संस्कृत कवि और मंत्री थे। और 345 ईस्वी में इनकी एक रचना है जो कि प्रयाग प्रशस्ति है। इनकी रचना क्या है, प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त के वीरता का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा हरिसेन की रचना है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे 37 नंबर, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है, तो यह कहा जाता है गुप्त काल के कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, यानी कला या साहित्य के क्षेत्र में यह काफी अच्छा था गुप्त काल। 38 नंबर, सारनाथ के धम्मे का स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ, तो यह हुआ था गुप्त काल में। 39 नंबर, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। 40 नंबर, कुमार शंभम महाकाव्य किस कवि ने लिखा, तो कुमार शंभम जो था कालिदास की रचना है। 41 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी गुप्त काल में। और ऑप्शन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर को देखिएगा फिर से, कुमार शंभम का रचना है कालिदास, और इसके ऑप्शन है जैसे कि वानभट्ट की रचना क्या है, हर्ष चरित्र,
हर्षचरित्र बनभट्ट की है, बी ऑप्शन है चंद्रवरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज राशो, और तीसरा हरिशन, हरिशन का भी बताएं, इसका हरिशन का प्रयाग प्रशस्ति। इस तरह से चारों जो ऑप्शन है वो इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे 42 नंबर, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, तो गुप्त राज में भू राजस्व की जो दर थी वह थी 1/6 यानी उपज का छठा भाग, और इसे क्या कहा जाता था, उपज के छठा भाग को भाग कहा जाता था, जो तत्कालीन राजस्व का एक प्रमुख था, प्रमुख राजस्व का एक प्रमुख स्रोत था, भाग था जो इस टाइम का राजस्व का प्रमुख स्रोत था। आगे देखेंगे 43 नंबर, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो होगा चंद्रगुप्त काल की। 44 नंबर, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिया था, तो गुप्त वंश के शासक ने सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। 45 नंबर, दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, यानी कि लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाई गई है, तो यह होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की याद में इस स्तंभ का निर्माण कराया गया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के याद में। आगे करेंगे 46 नंबर, कालिदास द्वारा रचित मालविकानी मित्रम नाटक का नाटक नायक था, तो कौन थे, मालविकानी मित्रम का अग्निमित्र, इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर अग्निमित्र। 47 नंबर, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो यह है प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी, यह गुप्त काल में थी, स्त्रियां और पुरुष लगभग बराबरी के थे। 49 नंबर, कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुए, तो सबसे ज्यादा हूनों का आक्रमण हुआ था गुप्त काल में, और गुप्त काल के शासक जो थे स्कंदगुप्त के काल में ही हूनों का प्रबल आक्रमण हुआ, यानी सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ, परंतु स्कंदगुप्त ने इसे विफल कर दिया था, हूनों के आक्रमण को स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था। 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास नहीं लिखा था, तो कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया था, मालविकानी मित्रम कालिदास का था, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की है, इसका सही आंसर होगा डी नंबर जानकी हरण। इसके लेखक कौन है, तो इसके रचनाकार हैं कुमार दास, जो कि माना जाता है कि कुमार दास जो थे वो कालिदास के मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी यानी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश के बाघ या धार जिले में है, अजंता जैसी गुफाएं। 52 नंबर, गुप्त वंश ने अवधि के शासनकाल किया था, गुप्त वंश का जो अवधि था वो 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था, और गुप्त वंश का जो प्रारंभिक राज्य का जो क्षेत्र था वो आधुनिक के बिहार और यूपी का क्षेत्र था, इसका सही आंसर होगा ए नंबर। आगे देखेंगे 53 नंबर, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, तो बाल विवाह की प्रथा जो प्रारंभ हुई थी वो गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। 54 नंबर, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, तो सोने के सर्वाधिक सिक्के थे वो गुप्त काल में ही जारी किए गए थे, ऑप्शन नंबर बी होगा गुप्त काल। 55 नंबर, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, तो इसमें प्रथम ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन नंबर बी कालिदास का है अभिज्ञान शाकुंतलम, यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम है जो कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है, और इसका अनुवाद लगभग विदेश के सभी भाषाओं में, सभी विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद। आगे देखेंगे 56 नंबर, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो पहला उल्लेख इसका मिलता है एरन अभिलेख से, और यह है जो एरन अभिलेख है जो पहला अभिलेखीय साच 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में मिला है, पहला अभिलेखीय साच कहाँ मिला है, एरन अभिलेख में, वो 510 ईस्वी में मिला है, और 1829 ईस्वी के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना अपराध घोषित कर दिया गया था। आगे देखेंगे 57 नंबर, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लाइए, तो इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा,
चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा ई नंबर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, बयाना। बयाना कहाँ है? तो यह राजस्थान के भरतपुर में है। आगे देखेंगे 59 नंबर, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त। 60 नंबर, कथन ए है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। आर है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ है। तो इसका दोनों सही है, ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे 61 नंबर, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो वह होता था ताम्रलिपि से। 62 नंबर, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, और सोने के पहले ही देखें, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। 63 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करवाना है, यह विशाख दत्त, विशाख दत्त क्या थे? नाटक, नाटक बराह मिहिर, तो बराह मिहिर थे खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान से संबंधित है बराह मिहिर। सी नंबर है चरक, तो चरक एक चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त से थे गणितज्ञ, ब्रह्मगुप्त गुप्त गणितज्ञ थे, और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त नहीं, यानी कि ब्रह्मगुप्त नहीं, ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ की रचना की है। कौन सी इनकी रचना थी? ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ। इस तरह से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 64 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो इनके समय में महान केंद्र था उज्जैन, विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र कहाँ था? उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? एमपी में। आगे देखेंगे 65 नंबर, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यों कृतियों में किया जाता है? तो किस में किया जाता है, किसकी किया जाता है? अभिज्ञान शकुंतलम इनकी कृति है, इनकी विश्व की 100 साहित्य कृतियों में किया जाता है इसकी गिनती। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो यह गुप्त युग को ही है, गुप्त युग में ही आर्यभट्ट के द्वारा दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। आगे देखेंगे 68 नंबर, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो यह था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने ही अपने समय के सिक्के पर बिना बजाते हुए चित्र को अंकित करवाया था। 69 नंबर, वह प्रथम भारतीय विज्ञान विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वह कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक महान ज्योतिष एवं गणितज्ञ दोनों थे, क्या थे? ज्योतिष एवं गणितज्ञ दोनों थे, और इनकी रचना है आर्यभट्टीय ग्रंथ, आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना है जिसमें इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 20 नंबर, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? तो इसका संबंध है चिकित्सा से। 28 नंबर, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त, और रामगुप्त जो था वो समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था, और रामगुप्त ने ही अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। तो कौन था यह? समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र। आगे देखेंगे 22 नंबर, इसमें भी मैच करवाना है शासन, शासक और इधर अभिलेख। तो ए नंबर है समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के समय में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बनाया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली का लौह स्तंभ, स्कंदगुप्त में भीतरी स्तंभ जो कि गाजीपुर में है,
और बुधगुप्त का पहाड़पुर ताम्रव्रत। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, ए का ए, बी का दो, सी का तीन, डी का चार। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, 23 नंबर में भी मिलान कराना है, मुद्रा के प्रकार है और इधर शासक है, तो ए ऑप्शन है। ए है कुमार देवी प्रकार की मुद्रा, तो ये संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी। बी है बीना बादन प्रकार, तो यह है समुद्रगुप्त ने से अपने सिक्के पर बीना का बादन का चित्र अंकित करवाया था समुद्रगुप्त ने। सी है चक्र विक्रम प्रकार, यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। कार्तिकेय प्रकार, यह कुमारगुप्त से संबंधित है। 24 नंबर, शासक और इधर उपाधि, कौन से शासक को क्या उपाधि दिया गया है इसको मैच करवाना है। तो ए नंबर है चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी जिसका मतलब होता है राजाओं का राजा। बी है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा गया था और स्कंदगुप्त को शक्रोपण कहा गया था। आगे देखेंगे 25 नंबर, इधर शासक है इधर पत्नी है, तो ए नंबर है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का नाम था कुमार देवी, लिच्छवी की थी और दहेज में इन्हें वैशाली प्राप्त हुआ था। रामगुप्त इनकी पत्नी का नाम है ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त इनकी पत्नी का नाम है दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती गुप्त और एक और है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम है प्रभा देवी। क्या है? प्रभा देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम है। और कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त की पत्नी का नाम है अनंत देवी। क्या है? अनंत देवी कुमारगुप्त की पत्नी का नाम है। 26 नंबर, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो यह थे समुद्रगुप्त। 27 नंबर, सर्व राजोच्छेता मींस सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। 28 नंबर, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो ये कौन होंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करवाना है रचनाकार और रचना, तो ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की रचना है, रचनाकार आर्यभट्ट जो थे उनकी रचना है आर्यभट्ट। दूसरा है धन्वंतरी, धन्वंतरी एक चिकित्सक थे, इनकी रचना है नवनीतकम्। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त गुप्त की रचना है ब्रह्म सिद्धांत। गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, इनकी रचना है ब्रह्म सिद्धांत। और बराह मिहिर की है पंच सिद्धांत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, मिहिर कुल का संबंध था, तो मिहिर कुल का संबंध है किससे? तो यह इनका संबंध है हुन से। और हुन जो थे, मिहिर कुल का भारत में श्वेत हुन शासक थे। मिहिर कुल कौन थे? तो भारत के एक श्वेत हुन शासक थे और यह तोरामल, क्या नाम है? तोरामन के पुत्र थे और तोरामन ही थे जो भारत में हुन शासक के संस्थापक थे। तोरामन कौन थे? तो भारत में हुन शासक के संस्थापक थे। कुछ क्वेश्चन इसमें स्किप हो गया है, 79 के बाद 87 आ गया है, 7-8 क्वेश्चन नहीं आ पाया है। 88 नंबर, कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला था, तो इसका सही आंसर होगा मौखरी। और यह था जो मौखरी जो था, गुप्त राजवंश के पतन के बाद मौखरी का स्थापना हुआ था और मौखरी मुख्य रूप से बिहार के गया जिले में निवास करते थे। ये लोग कहाँ निवास करते थे? गया जिले के इन लोग निवासी थे मौखरी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा? तो इसका ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण, क्योंकि लौह स्तंभ जो दिल्ली में स्थित है इसमें 98% लोहे हैं फिर भी इसमें जंग नहीं लगती है, तो इसका सही आंसर होगा उसकी जंग रोधकता के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। तो इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट हो गया।
और मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें एवं कमेंट करके हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।